स्वागत है आपका अपना चैनल एएस टेक्नोलॉजी में। तो गाइस, जैसे एक यूट्यूब चैनल अगर आप बनाना चाहते हो तो आपने शायद बहुत वीडियो देखा होगा, बहुत सारे सेटिंग होता है जो कि काम का सेटिंग, और कुछ ऐसा सेटिंग होता है कि हम वीडियो देखते देखते वो सेटिंग कन्फ्यूज़ रह जाते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो अभी हम जैसे बनाएंगे सेटिंग, बिल्कुल आसानी से आपको एक यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो पूरा सेटिंग के साथ, और वो सेटिंग में होता क्या क्या है पूरा सेटिंग समझते हुए हम चैनल बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हम फालतू की ये स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट इधर उधर का कुछ भी दिखाने वाले नहीं है, सीधा हम चैनल बनाने वाले हैं, वो भी एक अच्छा चैनल बड़े ही कम टाइम में और हर एक सेटिंग समझते हुए। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चैनल की ओर चलते हैं कि चलो हम कैसे चैनल बनाते हैं। लेकिन उससे पहले यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर देना। बस इस वीडियो में बने रहना है, बहुत ही कम समय में आप एक चैनल अच्छा चैनल बना सकते हो, वो भी पूरे सारे सेटिंग के साथ। तो चलो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, ईमेल आईडी, जो कि प्ले स्टोर से या जीमेल से कहीं से भी बनाओ, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, चाहे वो नया हो या पुराना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस लेकिन हाँ, उसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। उसका पासवर्ड इसीलिए पता होना चाहिए कि जैसे आप अगर इस मोबाइल पे आपने वो खोल लिया, वो जीमेल से आपने चैनल बना लिया, आपने अच्छे खासे सब्सक्राइबर व्यूज़ वगैरह सारा कुछ इंक्रीज कर लिया, लेकिन अब जब बाद में अगर वो फ़ोन आपका हैंग होने लगा या ख़त्म होने लगा, पुराना होने लगा, आप दूसरा फ़ोन में कैसे लॉगिन करोगे? तो उसके लिए आपको ईमेल का पासवर्ड होना पता होना ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है तो उसी जीमेल जिसका पासवर्ड पता है उसी जीमेल से आप चैनल बनाना। तो चलो हम चलते हैं सीधे फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे आ जाना है, यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब खोलने के बाद अब यहाँ पर आपको वही जीमेल लॉगिन करना है जिसका पासवर्ड आपको पता है और आप चैनल बनाना चाहते हो जिस जीमेल से। तो यहाँ पर हम वही करेंगे जिसका पासवर्ड हमें पता है। तो यहाँ पर ये करने के लिए आपको ऊपर एरो पे दिखाई दे रहा होगा एरो, सबसे पहले आप यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर राइट साइड में ये जो अपना लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे राइट साइड पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पे क्लिक कर लेना। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जितना भी जीमेल है सारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मतलब जिससे आप चैनल बनाना चाहते हो जिसका पासवर्ड आपको पता है तो यहाँ पर उससे कर लेना। जैसे मुझे इसका पासवर्ड यहाँ पर पता है तो यहाँ से मैं पहले एक जीमेल सेलेक्ट कर लूँ कौन सा मुझे किसका पासवर्ड पता है। तो यहाँ पर मुझे इसका पासवर्ड पता है तो मैं इसी से चैनल बनाने वाला हूँ अभी। बस आप वीडियो में बने रहना है, स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे और आसान तरीके से आप चैनल बना सकते हो, अच्छा प्रोफेशनल चैनल। तो यहाँ पे ये मेरा हो चुका है। तो अब हम ऐसा पेज आ जाएगा, फिर से हम ऊपर अपने लोगो पे चले जाना है, यही लोगो पे यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर योर चैनल शो हो रहा होगा। तो योर चैनल पर क्लिक कर लेना है। अब योर चैनल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नेम, जो कि नेम है, अगर आप चैनल का जो नेम सोच के रखे हो, जो रखना चाहते हो, जो आपके मन में चल रहा है, तो यहाँ पर वो नेम लिख लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर नेम रखना है अपने चैनल का, कुछ भी एग्जांपल के लिए मैं ये रख लेता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो हमने चैनल का नाम रख लिया है पॉइंट टू पॉइंट। अब ये लिख के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको सेव, तो यहाँ से सीधा आपको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद अब यहाँ पर नीचे जो है आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो या फिर यही रहने दे सकते हो, यहाँ से भी आपको ऊपर सेव कर लेना है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा क्रिएट चैनल, अब यहाँ से सीधा नीचे क्रिएट चैनल पे क्लिक कर लेना है। अब इससे आपका चैनल खुल गया। अब काम हुआ नहीं है ये, अभी सिर्फ 8% काम हुआ है, बाकी 92% काम अभी बाकी है। अब इतना हो जाने के बाद एक बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से वापस से आपको वही लोगों पे क्लिक करना है, क्लिक करके चले जाना है वहाँ पे। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे योर चैनल पे फिर से आ जाना है। योर चैनल पे आने के बाद अब यहाँ पे आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है, चैनल खुला है। अभी सिर्फ कुछ काम, अभी सारे सेटिंग्स पड़े हुए हैं, मतलब बाकी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेंसिल का आइकन, तो यहाँ से क्लिक करके अब यहाँ पे अपना चैनल का सेटिंग कर सकते हो। जैसे नेम आपने रख लिया पॉइंट टू पॉइंट, हैंडल वही है, चैनल यूआरएल लगभग ठीक ही है,
डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे हेलो गाइज मेरा नाम है, जैसे मेरा नाम है अंसार खान, तो आप अपना नाम लिख सकते हो, नाम लिख के आप कहाँ के रहने वाले हो वहाँ जगह का नाम लिख सकते हो, या फिर आप जिस चीज़ से रिलेटेड बनाना चाहते हो वीडियो, ब्लॉग से, गेमिंग से, जिस भी चीज़ से, वो चीज़ आपको लिख देना है कि हमारे चैनल पर आपको ये सब मिलने वाला है, अपने चैनल के बारे में कुछ भी लिख देना, या किसी भी वेबसाइट का, किसी भी आईडी वाईडी का आप लिंक यहाँ पर डाल के सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद अब आपका काम हो चुका है, अभी बैनर लगाना, तो बैनर तो वो मैं बैनर नहीं, इसमें नहीं लगेगा अभी, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, वो मेरा अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर पूरा काम हो चुका है, तो हो जाने के बाद यहाँ से बैक, यहाँ पर पूरा काम हो चुका है, अब यहाँ से 10% काम हो चुका है, अब 90% काम बचा हुआ है, तो यहाँ से सीधा आपको निकल जाना है। निकल जाने के बाद अब यहाँ पे आपको क्रोम ओपन कर लेना है, ये जो क्रोम दिखाई दे रहा होगा, अब क्रोम ओपन करने के बाद, यहाँ पर क्रोम ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको यूट्यूब खोल लेना है। तो यूट्यूब कैसे खोलना है, जैसे YouTube.com लिखना है, YouTube.com लिख करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका क्रोम में यूट्यूब खुल जाएगा। खुलने के बाद अब यहाँ पर आपको फिर से अपने लोगो पे जाना है, यहाँ पे क्योंकि आपका अगर यहाँ पे वो जीमेल नहीं है तो यहाँ पर भी आपको वही जीमेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करने के लिए फिर से जो एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करके, एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आपको वही जीमेल चूज कर लेना है जिससे आप उधर चैनल बनाएं यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ से भी मैं वो चैनल यहाँ से ले लेता हूँ जिससे मैंने बनाया, तो यहाँ पर मैंने इससे बनाया, तो मैं ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने वो भी ले लिया। तो अब लेने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तो सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे डेस्कटॉप साइट, तो डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है आपके अपने फ़ोन को। अब ये करने के बाद अब ऐसा हो जाएगा, पेज ऐसा आ जाएगा जैसे PC लैपटॉप वगैरह ये सब में आपका पेज जैसे आता है वैसे सेम आपके फ़ोन के अंदर चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर राइट साइड में छोटा सा आइकन बना हुआ दिख रहा होगा आपका लोगो का, तो यहाँ पर लोगो में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर YouTube स्टूडियो दिखाई दे रहा होगा आपको, YouTube स्टूडियो, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको YouTube स्टूडियो, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ही सारा सेटिंग आपको करना है, तो यहाँ पे क्रोम यूज़ कर लेना है आपको, आपने क्रोम पे यूज़ किया तो यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आ जाएगा थोड़े से समय के बाद, थोड़ा सा वेट करने के बाद। यहाँ पे नेट पे डिपेंड करता है, आपका नेट फास्ट है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मेरा नेट फ़िलहाल अभी थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा जूम कर लोगे, जूम करने के बाद थोड़ा सा स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सेटिंग का आइकन, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब ध्यान देना, अब तक अगर आप वीडियो स्किप कर दिए तो ठीक है, लेकिन अब मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको चैनल दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर लेना है। अब चैनल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सेटिंग करना है, यहाँ पर कंट्री, तो यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर हम इंडिया कर लेते हैं, आप जिस कंट्री से हो तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, तो चलो हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दूसरा नंबर पे जो है कीबोर्ड, ये बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको अपना चैनल का नाम लिखना पड़ेगा। वो क्यों लिखना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो अगर आपका चैनल कोई सर्च करता है तो सर्च लिस्ट में नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चैनल का अपना कीबोर्ड डालोगे तो ही कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल शो होगा उनको, नहीं तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको अपना चैनल का नाम लिख लेना है कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, यहाँ पर स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्मॉल कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हो, छोटे बड़े अक्षर में भी, छोटे बड़े हो या फिर टेरा मेरा जैसे कि करके आपको यहाँ पर पूरा चैनल का आपको अपना नाम लिखना है कुछ इस प्रकार।
यहाँ पर आपको लिख लेना है पॉइंट टू पॉइंट करके, जैसे आपका जो भी चैनल का नाम होगा यहाँ पर आप लिख लेना, छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में आप हर किस्म का लिख लेना, ताकि आप कोई भी किसी भी किस्म का सर्च करें तो आपका चैनल वहाँ पे शो हो जाए। तो ये लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे ये सेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर उसके बगल में ही एडवांस सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये ज़रूरी बात है कि यहाँ पर आप चैनल किसको दिखाना चाहते हो, आप अपना चैनल का वीडियो सिर्फ छोटे बच्चे को दिखाना चाहते हो या ऑल सबको दिखाना चाहते हो। अगर आप छोटे बच्चे को सिर्फ दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस पे करना है, लेकिन यस पे तो करना ही मत, उससे क्या होगा कि आपका वीडियो सिर्फ छोटे बच्चे के पास जाएगा, जो कार्टून वार्टून देखता है उसी के पास जाएगा, और साथ में आपका कमेंट सेक्शन, जो कमेंट लिस्ट है आपका, वो ऑफ रहेगा, कोई भी आपको शख्स कमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा नो पे रखना है, जे कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर नो पे रखने के बाद अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की, जो यहाँ पर फ्यूचर है, फ्यूचर ये जो लास्ट नंबर पे, तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर तीन सेटिंग है, यहाँ पर तीन सेटिंग है, तीन में से एक इनेबल है, बाकी दो के दो डिसेबल है, यानी ऑफ है, ठीक है। तो इसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के लिए पहला तो है मेरा ऑलरेडी, मतलब सबका होता है, तो यहाँ पर दूसरा भी ऑन करना है। दूसरा ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी क्रोम यूज़ कर लेना है, अब यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है अपना कंट्री यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलो मेरा हमने कर लिया, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लीजिए। जैसे मैं डाल लिया, यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट कोड पे क्लिक कर लेना है। गेट कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही आपके पास एक OTP आ जाएगा, जो नंबर आप यहाँ पर फ्लिप किए हो उस नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है, आने के बाद यहाँ पर आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबमिट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन नंबर वेरीफाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी मेरा ये सक्सेस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन मुझे कहा चुका है, तो यहाँ पर ये मेरा सेटिंग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वो लास्ट वाले सेटिंग की, तो ये मेरा दो सेटिंग इनेबल हो गया, आप देख सकते हो पहला इनेबल था ऑलरेडी और दूसरा मैंने कर लिया। अब यहाँ पर बच जाता है हमारा तीसरा सेटिंग, इसको भी इनेबल करना है, तो इसको करने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देगा किससे आप ये करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, एक वीडियो वेरीफिकेशन, एक वैलिड ID, एक चैनल हिस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे जो आसान है वो है वीडियो वेरीफिकेशन, तो आपको हमेशा वीडियो वेरीफिकेशन पर ही करना है, तो यहाँ पर वीडियो वेरीफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। वीडियो वेरीफिकेशन पर करने के बाद यहाँ पर जो आपको एक्सेस फीचर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक्सेस फीचर पे क्लिक कर लेना है। एक्सेस फीचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेस फीचर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ आपका इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने यूज वीडियो वेरिफिकेशन लिया है, तो यहाँ पर एक नंबर पे जो यूज वीडियो वेरिफिकेशन पे है आपको कर लेना है। तो यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करोगे तो गेट ईमेल, मतलब यानी आपका जो अभी वेरिफिकेशन होगा वो आपके ईमेल द्वारा होगा, तो यहाँ पर करने के बाद जो आपका एक लिंक देगा यूट्यूब वाला, यूट्यूब की तरफ से आपके पास एक लिंक आएगा आपके जीमेल में, उसी लिंक से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको गेट ईमेल कर लेना है। अब गेट ईमेल करने के बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। अब डन करने के बाद अब यहाँ से आपको सीधा बैक कर देना है। बिल्कुल बैक करने के बाद अब आ जाना है आपको जीमेल पे। जीमेल पे आने के बाद आपको यहाँ पर वही ID खोल लेनी है, क्योंकि उसी पे आया हुआ है वो लिंक, तो यहाँ से आप वही जीमेल लॉगिन कर लेना है आपको। तो जैसे हमने यहाँ पर उसको मुझे करना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं उस जीमेल को लॉगिन।
तो यहाँ पर हमने उस जीमेल को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। इसी पर आया हुआ है वो एसएमएस, मतलब वो लिंक आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो लिंक आ चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रोम यूज़ कर लेना है। क्रोम यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्रोम पे क्लिक करने के बाद आप वापस से उसी पेज में आ जाओगे, मतलब जहाँ से गए थे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर टिकअप करके, ये जो टिकअप दिखाई दे रहा होगा, टिकअप करके आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो ऐसे मांगेगा, मतलब सीधा फ़ोन ऐसे करके आप अपना फ़ोटो दे करके यह ऑटोमेटिक वेरीफाई, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो वो तीसरा कंप्लीट हो गया, यानी मतलब ये पूरा सेटिंग हो गया। तो अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तीनों सेटिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो चैनल का ये जो सेटिंग था, यहाँ पर सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर बच गया है ये जो यहाँ पर उसके बाद दिखाई दे रहा होगा आपको चैनल के नीचे जो है, यहाँ पर चैनल का जो भी था बेसिक इन्फो एडवांस सेटिंग फीचर, यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है। अब रह गया ये जो अपलोड डिफ़ॉल्ट पे है, तो यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पे आने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैटेगरी। कैटेगरी बहुत ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाना चाहते हो। आप गेमिंग का बनाना चाहते हो या ब्लॉग बनाना चाहते हो या फिर कोई कुकिंग से रिलेटेड या फिर कोई एंटरटेनमेंट गेमिंग जोक वगैरह कुछ भी कॉमेडी फनी कुछ भी, आप जिस भी कैटेगरी का बनाना चाहते हो आपको यहाँ पर वही कैटेगरी रखना है। अगर आप दूसरा कैटेगरी रखते हो, आप कैटेगरी यहाँ पर कुछ और रखते हो और आपका वीडियो कुछ और है, तो कभी YouTube समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैं कोई एजुकेशन, चलो मैं फ़िलहाल एजुकेशन, यहाँ पर हमने कैटेगरी एजुकेशन चूज़ कर लिया है। अब करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो लैंग्वेज, यानी आप किस लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर बंगाली में, किस में, अब जिस में बनाना चाहते हो यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे किस लैंग्वेज में, तो मुझे हिंदी में बनाना है, तो इसीलिए यहाँ से मैं हिंदी ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमने हिंदी ले लिया। तो ये सब यहाँ पर हिंदी चूज़ करने के बाद, कैटेगरी चूज़ करने के बाद अब फाइनली मेरा सारा सेटिंग हो चुका है, यानी मेरा समझो तो मेरा चैनल कंप्लीट हो चुका है। अब हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको सेव का आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सेव दिखाई दे रहा होगा नीचे। तो यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर लेना है, यानी आपका सारा काम हो चुका है, यानी 99% आपका चैनल बन चुका है। अब वो 1% जो 1% काम है वो आपको क्या करना है, आपका जो YouTube का साथ में है जो एप्लीकेशन है YT स्टूडियो, यानी YouTube स्टूडियो, अगर ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इससे आप थंबनेल टैग और व्यूज सब्सक्राइबर सारा कुछ YouTube का इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड करने के बाद आपका पूरा 100% चैनल बन जाएगा और आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। कैटेगरी के हिसाब से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करने मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार आए तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।